बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपने घरों में आमीन। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त जार के डिज़ाइंस लेके आए, कैबन जार के डिज़ाइंस लेके। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स में, मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग्स में आप देखेंगे कि कैसे जार में चीज़ें महफूज करके रख सकते हैं या कैबन में कैसे चीज़ें महफूज करके रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है, बहुत ही खूबसूरत तरीका है। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपनी चीज़ों को महफूज करने के लिए अलग-अलग शीशे के जार इस्तेमाल कर सकते हैं या कैबिन बनाकर उसमें अलग-अलग चम्मच, नाइफ, छोटे चम्मच, बड़े चम्मच और खाने पकाने वाले चम्मच, ये सब चीज़ें आप रख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखेंगे कितनी खूबसूरती के साथ कैबिन बनाए, उसमें आप चीज़ें रख सकते हैं, महफूज रहते हैं। ये देखिए उन्होंने अलग-अलग जार बनाए, उसमें हर चीज़ उन्होंने रखी हुई। फ्रिज में आप रखना चाहें तो अलग-अलग जार में आप रख सकते हो। ये देखिए स्टैंड बनाए हुए, उसमें अलग-अलग रखे हुए जारों जार में, बहुत ही खूबसूरत लगते, बहुत ही ज़बरदस्त। ये कैबिन बना हुआ है, उसमें उन्होंने स्टैंड बना के उसमें बर्तन वगैरह रखे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ये देखिए प्लेट्स, चम्मच, कांटा, सब कुछ। ये अलमारी, उसमें हर चीज़ उन्होंने मशीन वगैरह जैसे मशीन, ग्राइंडर, हर चीज़। ये देख लेदर लेदर बॉक्स में उन्होंने सब्जियाँ वगैरह रखी, फल रखे हुए। ये देखे बॉक्स बना के उन्होंने हर चीज़ अलहदा लेदर रखी। ये भी जार में अलग-अलग रखी हुई हैं, ये देखिए ख़राब भी नहीं होती और कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगता, महफूज रह जाती है चीज़ें। ये देखिए फल पड़े हैं, प्याज, अदरक, सब कुछ। ये खाने वाली चीज़ें बच्चों की जैसे चिल चाहे वैसे उठा के खा ले, खा सके। वीडियो को देखते जाएं, इंजॉय करते जाएं, आइडियाज़ लेते जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने और अपने प्यारा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।